हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये पतौड़े हैं या आप क्या सब पकौड़े समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, ना ये पकौड़े हैं ना ये पतौड़े हैं, ये हैं फरे जो चने की दाल से बनाए मैंने, और बहुत हेल्दी हैं। मैंने इसका हेल्दी वर्जन बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। देखिए कितने यमी यमी लग रहे हैं ना देखने में, और कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फरे बनाने के लिए मैंने एक बड़ा बॉल लिया है, और उसमें मैंने ये लिया है 225 ml गेहूं का आटा। मैं मैदा से नहीं बना रही हूँ, मैं गेहूं के आटे से और सूजी से बनाऊँगी इन्हें। और जितना मैंने आटा लिया है उससे कम मैं लूँगी सूजी। तो ये मेरा है 120 ml सूजी ली है मैंने, आधा कप सूजी ली है मैंने इस वाले कप से, और एक कप लिया है मैंने आटा गेहूं का। और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं केवल सॉल्ट ऐड करूंगी और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या कोई सा भी ऑयल जो आप पसंद करते हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। वो भी हमें सिर्फ दो टी स्पून हमें ऑयल की डालनी है इसमें, और आधा चम्मच मैंने डाला है नमक का इसमें। और इसको मैंने आटे की तरह बना लिया। फिर आधा चम्मच ये नमक लिया है मैंने, और अब मैं इसको इसका डो बना के रखना है मुझे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ज़्यादा पानी, वरना ये पतला हो जाएगा। और हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइट, बहुत टाइट नहीं पर थोड़ा सा टाइट डो चाहिए। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको मिलाती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, डो तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी, और इसको ढक देंगे। और हम चलिए बनाते हैं अब इसके लिए फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने ली है चने की दाल जो मैंने रात को ही भिगो दी थी, और अच्छे से फूल चुकी है ये। अब मैंने इसका पानी भी ड्रेन आउट कर दिया है, अच्छे से धो दिए मैंने 2-3 बार ये। और अब इसको मुझे पीसना है ग्राइंडर में, और इस दाल को हमें बारीक नहीं पीसना होता है, दरदरा पीसना होता है। मतलब इसका जो दाना है ना, हल्का हल्का दिखना चाहिए इसमें दाल में। ये दाल पिस चुकी है, और देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें दाने भी दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं आपको कटे हुए। तो बस इसी तरीके की दाल हमें चाहिए इसकी फिलिंग के लिए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ हरा धनिया है, प्याज है, हरी मिर्च है, और अदरक है जो मैंने बारीक बारीक चॉप किए हुए हैं। और इसमें आप और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे आजकल तो बहुत सब्जियाँ आ रही हैं, शिमला मिर्च है, गाजर है, और बीन्स हैं। तो जो भी आपके फ्लेवर की हों, आपकी पसंद की हों, आप इसमें ऐड कर सकते हैं बारीक बारीक काट के। पत्ता गोभी है, जो भी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, और फिर मैं इसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के रखूंगी। तो मसालों में हम ले रहे हैं नमक टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने ली है आधा चम्मच से भी कम कश्मीरी लाल मिर्च, और ये टीस्पून है जिससे मैं सारा मेज़रमेंट ले रही हूँ उन मसालों का। आधा टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, क्योंकि अगर हम चम्मच से मिलाएंगे तो ये ठीक से मिक्स नहीं होगा। तो इसको हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इधर डो देख लेते हैं अपना, डो भी लगभग तैयार है। बस डो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब डो की हम बना लेंगे पहले छोटी छोटी लोइयाँ, और बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं बनानी है, छोटे साइज़ की बनानी है। जैसे रोटी की लेते हैं ना, उससे आधी लेनी है हमें ये। और अब इसकी हम एक छोटी सी पूरी बेलेंगे पहले। तो मैंने सूखा आटा लगा के इसकी पूरी बेल ली है,
और अब फिलिंग भी हमारी तैयार है, तो अब वो जो फिलिंग है वो मुझे इसमें भरनी है। और इसकी जो थिकनेस है हमें बहुत पतली नहीं करनी है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है ये रोटी से। ये देखिए मैं इसमें ये फिलिंग लगा रही हूँ, तो फिलिंग मैंने इसमें करीब 1.5 चम्मच के करीब भरी है। बाकी आप जितनी बड़ी लोई लेंगे उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। और इसको मैंने ये गुजिया की शेप दे दी, जो होली पे हमारे यहाँ गुजिया बनती है ना उसकी शेप दे दी है बिल्कुल। और इसी तरीके से मैं सारे बना के रख लूँगी फरे। ये डिश जो है खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें ना बिल्कुल भी ऑयल वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा सा करते हैं, तो ये नुकसान भी नहीं देती है। और मैदा नहीं है, आटा है और सूजी है, तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो नुकसान नहीं देती हैं कभी भी। तो ये फरे आप घर में बना सकते हैं और नाश्ते में तो बहुत ही परफेक्ट रहते हैं ये। ये देखिए मैंने सारे फरे बना के रख लिए हैं ये। और अब चलिए करते हैं हम पानी गरम। तो गैस पर मैंने पानी रख दिया था भगोने में, और ये पानी गरम भी हो गया है। जब पानी में बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह, तो हम ये सारे फरे इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। कुछ लोग इसे स्टीम पे भी बनाते हैं, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि फरे ऊपर आ जाते हैं जब बन जाते हैं। ये मेरे फरे देखिए अब ऊपर आ गए हैं तैर के, इसका मतलब ये अब तैयार हो गए हैं। तो मैं एक बार पलट के इन्हें और पानी को खोला लूँगी एक बार। अब पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है, अब मैं गैस को बंद करके और फरे अपने सारे छन्नी में निकाल लूँगी, और फिर इन्हें ठंडा करके हम करेंगे कट। ये देखिए ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको कट कर लेंगे 3 पीस में या 4 पीस में। और बहुत अच्छे से बन गए हैं ये, बहुत अच्छे, आप देख सकते हैं कितने आराम से कट रहे हैं। और इसकी जो फिलिंग है ना बिल्कुल चिपक गई है इस पर, और फिलिंग भी पक चुकी है अंदर से अच्छी तरह। तो अब ये बिल्कुल तैयार हैं सेकने के लिए। अब मैं सारे फरे एक साथ काट के रख लूँगी और फिर मैं इनको सेकूँगी। तो एक फ्राई पैन में हम कर लेंगे पहले ऑयल गरम थोड़ा सा, और उसमें हम डालेंगे तड़के के लिए राई और हींग थोड़ी सी और करी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च। जब ये सब चटकने लगेगा तो गैस को कर देंगे सिम, और जो फरे हमने काट के रखे हैं वो हम इन पे बिछा देंगे। मैं सेक रही हूँ क्योंकि मैं मुझे कम ऑयल के पसंद हैं, तो मैं इनको सेक के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और डीप फ्राई करने के बाद ये वाला तड़का बना के आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से ये पूरे फ्राई पैन में मैं इसको लगा दूंगी, और इनको हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। और मैंने गैस को रखा है मीडियम टू सिम, इनको बीच बीच में पलटते रहेंगे फोर्क की मदद से या चम्मच की मदद से, क्योंकि करछी से नहीं पलटे जा सकते ये। ये देखिए अच्छे से कितना अच्छा रंग आना शुरू हो गया है ये, जैसे जैसे सिकने शुरू हो गए हैं। और अब ये सिक के लगभग तैयार है ये, और बहुत करारे भी बने हैं, आप दिख भी रहे हैं, मतलब देखने में ही लग रहे हैं कि काफ़ी कुरकुरे बने हैं ये। और चलिए अब इन्हें करते हैं सर्व। तो चलिए ये मैंने टमाटर लहसुन की चटनी बनाई है, जो मैं पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ।